वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर गर्ल भाविका शर्मा। एंड आज हम करने वाले हैं एक फूड चैलेंज अगेन। सो इतने सारे फूड चैलेंज करने के बाद एंड कुकिंग करने के बाद आई फील लाइक मेरा चैनल पूरी तरह से एक कुकिंग चैनल बन चुका है, बट हु केयर्स। सो आज हम टेस्ट करने वाले हैं कुछ वायरल ट्रेंडिंग फूड रेसिपीज जो कि आपने रील या यूट्यूब या कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। सो आई एम द पर्सन हु लव वॉचिंग फूड रेसिपीज, मतलब स्क्रॉल कर ही जाती हूँ मैं पूरे दिन एंड उनको देख के अपना भूख लगना चालू हो जाती है। सो आज हम उन्हीं को ट्राई करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि वो कैसी टर्न आउट होती है एंड उनका टेस्ट कैसा होता है। सो मैंने इस चैलेंज के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज चूज करी है, सो यू गाइज ऑल्सो कैन ट्राई दिस रेसिपीज एंड ये रेसिपीज बहुत ज्यादा अच्छी स्नैक्स ऑप्शन होने वाली है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन बटन, सो जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। एंड या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं चॉकलेट सैंडविच। सो इसके लिए आपको बस ब्रेड को राउंड शेप में कट करना है एंड इसके अंदर आपको कोई भी चॉकलेट फिल करनी है एंड बस इसको सैंडविच का शेप देके इसको बस पैन पे थोड़ा फ्राई करना है बटर अप्लाई करके। एंड दिखने में तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रही है, देखते हैं कि ये वैसी टर्न आउट होती है नहीं। सो या लेट्स गो। अगेन एंड हियर इज अवर चॉकलेट सैंडविच एंड मैंने इस पे थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट एंड थोड़ा चॉकलेट क्रश करके ऊपर लगा लिया था ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे एंड दिखने में ये अच्छा लग रहा है अब मेरे को। सो अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है एंड आई होप ये अच्छा बना हुआ हो। सो या सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड अब इसको ट्राई करके देखते हैं एंड यू कैन सी कि इसमें अंदर पूरी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है एंड अब इसको टेस्ट करके बताती हूँ। इट्स यम्मी। ओके गाइस, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा ब्रेड पे न्यूटेला लगा के खाते हैं। सो आई थिंक इस तामझाम से अच्छा है सीधा ब्रेड पे न्यूटेला लगा के खा लूँ। सो बट आई लाइक दिस रेसिपी एंड मेरे को ये अच्छा लग रहा है। सो अगर आप पूछोगे कि मैं और ये बनाऊंगी तो मेरा जवाब है नहीं एंड क्या ये वेस्ट होंगे तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मेरे को ये अच्छे लग रहे हैं। सो या आई थिंक जिन लोगों को कभी कभी होती है ना मीठे की क्रेविंग, उन लोगों के लिए ये डिश परफेक्ट है एंड चॉकलेट एंड ब्रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो तो सबको पसंद आता ही है। सो या अच्छा लगा मुझे, बस अगर मैं ये ऊपर थोड़ी चॉकलेट या नहीं लगाती तो आई थिंक ये थोड़ा सूखा सूखा हो जाता, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ी मेल्टेड चॉकलेट भी लगा ली थी। तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, फटाफट बन जाता है एंड बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्नैक्स ऑप्शन एंड मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगी 10 out of 7। ऑलराइट गाइस, सो मैं इसको फटाफट से अपनी फैमिली को भी टेस्ट करवा देती हूँ एंड आई एम गोना सी यू सून। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट रेसिपी के लिए मैंने चूज किया है ये कुल्हड़ पिज्जा, जो कि बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगता है एंड ये रेसिपी आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी एंड आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दिस कुल्हड़ पिज्जा। आज हम उनको घर पे बनाने वाले हैं एंड इसके लिए आपको बस ब्रेड के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं एंड उसमें थोड़ी वेजीज एंड पिज्जा सॉस एंड मेयोनीज वगैरह मिक्स करनी है एंड उसको बस कुल्हड़ में फिल करना है 2 लेयर तक एंड उसके बाद उसमें डालना है बहुत सारा चीज एंड उसको बस आप किसी भी तरह से पका सकते हो। सो लेट्स सी कि ये इतना अच्छा बन पाता है या नहीं। सो या लेट्स गो।
गाइस, सो हियर इज आवर कुल्हड़ पिज्जा एंड दिस लुक्स सो डिलीशियस. मेरे को इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ, एंड इट एक्चुअली स्मेल लाइक अ पिज्जा. एंड अब इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट पिज्जा जैसा है या नहीं. एंड कुल्हड़ में तो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है ये. एंड मैंने बहुत सारी कुल्हड़ पिज्जा रेसिपीज देखी है एंड फाइनली मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ. सो लेट्स सी कि ये कैसा बना है. एंड यू कैन सी चीज़ कितना अच्छा दिख रहा है इसमें. एंड मैंने इसमें बर्गर की चीज़ डाला था बिकॉज आई लव चीज़. सो अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है. सो या बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया ये. एंड इस पिज्जा को बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 10 या 15 मिनट्स लगेंगे बिकॉज ये बहुत जल्दी कुक भी हो जाता है. लेट्स टेस्ट इट. कैन यू सी दिस? ओह माय गॉड, भर भर के जो चीज डाला है मैंने इसमें. नाउ अब मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ. बिल्कुल गरम गरम है ये. गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा बना है एंड इसका टेस्ट बिल्कुल पिज्जा जैसा है. सेम टॉपिंग, सेम पिज्जा सॉस वगैरह सब कुछ हमने इसमें यूज किया है. सो ये बहुत ज्यादा चीजी तो है ही, पर इट एक्चुअली टेस्ट लाइक अ पिज्जा. एंड मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा. एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि प्लीज एटलीस्ट ट्राई इट वंस. बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा एस्थेटिक भी लगता है ये कुल्हड़ में. सो या यू नो, नॉर्मल पिज्जा खाने से अच्छा है कुल्हड़ पिज्जा खाओ, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाता है एंड इसको आप आराम से घर पे भी बना सकते हो. एंड आई एम द पर्सन हु इज अ बिग फैन ऑफ पिज्जा, तो मुझे तो ये पसंद आने ही वाला था, बट मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा बनेगा कुल्हड़ में वो भी. सो लव इट. ओके गाइस, मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ एंड आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद. सो या ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले नाचोस कुरकुरे बेल. सो इसके लिए बस आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुरकुरे या चिप्स वगैरह लेनी है एंड देन उसमें आपको ऐड करना है शेजवान चटनी, या फिर आपके पास शेजवान चटनी नहीं है तो आप रेड सॉस या कुछ भी ट्राई कर सकते हो. एंड उसमें आपको ऐड करना है मेयोनीज, प्याज, टमाटर एंड थोड़ा सा मैगी मसाला एंड हरा धनिया. एंड फिर आपको ऐड करना है उसमें थोड़ा सा चीज. सो दिखने में तो ये बहुत ज्यादा एस्थेटिक दिख रहा है. सो अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा होता है. एंड ये रेसिपी मेरे को कब से ट्राई करनी थी. सो या लेट्स ट्राई इट नाउ. आई एम बैक अगेन एंड इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग. सो दिस इज हाउ अवर नाचोज एंड कुरकुरा बेल लुक्स. दिस लुक्स सो एस्थेटिक एंड बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है जैसे वो स्ट्रीट स्टाइल में जो मिलती है चीजें, बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है इससे. एंड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. एंड मैंने इसमें सारे तरह के चिप्स, कुरकुरे वगैरह सब कुछ ऐड किया है. सो एंड इसमें थोड़ा चीज भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है. सो देखते हैं कि चिप्स एंड कुरकुरे तो वैसे तो बहुत खाए हैं लेकिन इस तरीके से कभी नहीं खाए हैं एंड कभी ऐसा सोचा भी नहीं था. सो लेट्स टेस्ट इट एंड देखते हैं कि ये कैसा लगता है. सो या बस गाइस, सो मैंने जैसा कि बोला था कि मेरे को इसको देख के बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा दिख रहा है. सो इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है. एंड इसमें जो चटनीज वगैरह हमने ऐड करी थी इसका टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा आ रहा था. एंड मैंने नहीं सोचा था कि कुरकुरे एंड चिप्स को ऐसे भी कभी मैं खाऊंगी. सो दिस इज डेफिनेटली माई फेवरेट स्नैक्स नाउ एंड मैं इसको जरूर बनाऊंगी. एंड अगर आप लोगों को भी कभी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. एंड इसमें आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए. सो बहुत जल्दी बन जाता है एंड दिखने में तो काफी टेम्पटिंग है ही, पर इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है. सो ये मेरे को नाचोल वाली बेल कब से ट्राई करनी थी एंड फाइनली आज मैंने इस चैलेंज के लिए ट्राई कर ली. सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस. सो आई एम गोना गिव दिस रेसिपी 10 out of 9. एक ऐसे ही कर लिया बिकॉज माई चैनल माई रूल्स. ओके जस्ट किडिंग, आई लव इट. ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं ओरियो आइसक्रीम जो कि लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग थी एंड अभी समर्स भी आने वाले हैं. सो इसको ट्राई करना तो बनता है. एंड इसके लिए आपको बस दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है ओरियो एंड मिल्क. सो बस आपको ओरियो का पैकेट लेना है एंड उस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है कूट कूट कर. एंड फिर उसमें मिल्क फिल अप करके बस आपको फ्रीज करने के लिए रख देना है एंड फिर उस पर आप मेल्टेड चॉकलेट भी अप्लाई कर सकते हो. सो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रही है. सो लेट्स ट्राई इट.
राइट गाइस, सो जैसा कि आपने देखा कि वो ओरियो आइसक्रीम अभी तक पूरी तरह से जमी भी नहीं थी, सो आई थिंक वो जम तो जाएगी, बट मैंने उसको टेस्ट करके देखा, बट उसका टेस्ट बिल्कुल केक के बेटर जैसा था. सो आई डोंट लाइक दिस, सो इससे अच्छा कि मैं ओरियो ऐसे ही खा लूँ. सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट फेल. सो ऑलराइट गाइस, सो अब हम ट्राई करने वाले हैं ये चीज बॉल्स, जो कि बहुत ज्यादा चीजी होते हैं. ऑफकोर्स इसके लिए बस आपको कुरकुरे को क्रश कर लेना है, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई अ ब्रेड क्रम्स. देन आपको एक बॉल में मैदा एंड कॉर्नफ्लावर लेकर उसका एक बैटर बना देना है, पोटेटोज लेने हैं एंड उसमें अनियन चिलीज एंड सारे मसाले मिक्स कर लेने हैं एंड उनकी बॉल बना लेनी है राउंड शेप में, एंड फिर उसको आपको मैदे वाले बॉल में डिप करना है, एंड देन आपको कुरकुरे जो क्रश करके रखे थे उसमें डिप करके फ्राई कर लेना है, एंड इस तरह से बन जाती है हमारी चीज बॉल. सो देखते हैं कि ये कैसी टर्न आउट होती है. सो लेट्स गो. Guys, so here is our cheese balls, and दिखने में तो ये अच्छी लग रही है, and I really hope कि अच्छी turn out हुई हो, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. So let's see कि अब ये कैसी बनी है. So this is how it looks, and oh my god, अंदर से पूरा जो cheesy flavor है इसका बहुत awesome लग रहा है, and इसमें जो अंदर cheese की stuffing करी थी वो एकदम melt हो चुका है, and बहुत अच्छा दिख रहा है. अब मैं test करके देखती हूँ. जैसा मैंने सोचा था वैसा तो ये टर्न आउट नहीं हुआ है, बट अच्छा है, एंड अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ी है ये, एंड कुरकुरे का जो बाहर से क्रंची फ्लेवर आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है, बट जैसा मेरे को लगा था उतना अच्छा भी नहीं है ये. सो आई थिंक बाकी सारी रेसिपीज ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसके अलावा, बहुत ज़्यादा फीलिंग भी है. सो आई थिंक मैं ये पूरा नहीं खा पाऊंगी. सो मैं इसको रेट करना चाहूंगी 10 out of 6, बिकॉज जैसा मैंने सोचा था ये एग्जैक्ट वैसा टर्न आउट नहीं हुई है, एंड इसको फ्राई करते वक्त भी उसका जो बाहर का वो क्रंच था वो निकला जा रहा था. सो आई थिंक या तो मुझसे कुछ गलती हुई है, सो ये उतना अच्छा नहीं बन पाया है. ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आई ऑल्सो एंजॉयड दिस वीडियो सो मच, बिकॉज इससे मुझे बहुत ज्यादा न्यू रेसिपीज एक्सपेरिमेंट करने को मिली, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी रेसिपी कौन सी लगी, एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.